जिला स्तरीय रेडक्रॉस मेले को लेकर उपायुक्त कार्यालय सभागार में जिला के विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त अश्विनी कुमार चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय वार्षिक रेडक्रॉस मेला इस वर्ष 17 से 24 सितंबर तक अपर पटेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त अश्विनी कुमार चौधरी ने बताया कि इस वर्ष यह मेला शिक्षित मंडी स्वस्थ मंडी विषय पर यथीमत पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के प्रथम दिन 17 सितंबर 2017 को प्रातः 10 बजे से रिमन से अपर पटेल मैदान तक शिक्षा उत्थान हेतु एक वॉक का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वॉक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स तथा स्कूल के बच्चों के साथ साथ स्थानीय लोग भी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेले में प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए कमेटियों का भी गठन किया गया है। मेले का शुभारंभ 17 सितंबर को प्रातः 11 बजे किया जाएगा। 18 सितंबर को अपंगता जांच शिविर, 19 सितंबर को शिक्षा विभाग द्वारा चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता, 20 सितंबर को महिला व युवक मंडलों की विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां, 21 सितंबर को मेरी लाडली कन्या बेबी शो तथा इसी थीम पर चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जबकि 22 सितंबर को रक्तदान शिविर तथा 23 सितंबर को विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 24 सितंबर को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सतारा से शुरू किया जा रहा है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हुई, आपका कोई ऐसा कोई आइडिया है आप फ्रीली आप इसको हमें दे सकते हैं ताकि इसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो मैं ये आशा करता हूं कि हम सब के कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट के जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तहत ये मेला जो है हम इसको सफल बनाएंगे। इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो और ये आशा करता हूं कि ये जो मेले का शेड्यूल है 17 से 24 तक हम इसमें सफल होंगे और जो भी इससे जो भी इनकम होगी वो जो भी जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में और जो जैसे कि रेडक्रॉस एक्टिंग ने बताया कि पिछले साल 1 करोड़ रुपए के जो इक्विपमेंट्स जो है डिजिटल एक्सरे जो भी एक्सरे और जो भी है वो लोगों की सहायता के लिए वहां लगाए गए हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए रेड क्रॉस का के लिए ज्यादा से ज्यादा हम ये मोटिवेट करें लोगों को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस नोबल कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करें और ताकि जो भी जरूरतमंद है जो भी जिले के जो जरूरतमंद है उनकी टाइमली मदद की जा सके। बैठक में सहायक आयुक्त अमर नेगी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जोगिंदर गुलेरिया, सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ओपी भाटिया सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, बैंकों तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।